अरे और मैं यहाँ पे आता हूँ प्लेलिस्ट पे, तो यहाँ यहाँ पे देखो कहाँ, ये देखो दिख रहा है फरवरी MWF 7। ठीक है, जब भी कोई आपकी क्लास छूट जाया करे तो गूगल में मैसेज कर दिया करो कि सर आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो वो क्लास में यहाँ पे अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक है, याद रखना सब लोग। ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक था, हमने आपको बताया था वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो हम लिखते थे वेर ए इक्वल टू 10, याद होगा, और फिर हम उसको प्रिंट करते थे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, लिखते थे ए, तो आप ए यहाँ प्रिंट हो जाता था ब्राउजर पे, ए की वैल्यू 10 प्रिंट हो गई। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, तो नॉर्मल था। अब बात करते हैं, तो मैंने आपको कुछ चीजें और बताई थी। अब यहाँ एक दिक्कत, यहाँ लिखा मैंने वेर ए इक्वल टू राम, अब बताओ क्या प्रिंट होगा? एक राम प्रिंट होगा, है ना? बाकी लोग देखो राम हो गया, दोनों कहाँ से हो गए भाई, ये तो प्रिंट होगा। कोड देखो, कोड चलता कैसे, पहले ये वाला कोड चलाएगा चलेगा, फिर ये वाला चलेगा, तो फिर और फिर नीचे आएगा, फिर ये चलेगा, ए में वैल्यू कौन सी वाली दिखेगा, ये लास्ट वाली दिखेगा। ठीक है, अब लिखा मैंने वेर एस ए इक्वल टू, बताओ क्या प्रिंट होगा, 1000, है ना? अब बाकी लोग, है ना, जो लास्ट वाला होगा वही प्रिंट होगा, ये सबको पता है। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो सब लोग। आप मान के चलो आप नोट पे काम कर रहे हो, ठीक है, नोट जेएस पे काम कर रहे हो, और डेटाबेस कौन सा है आपका, मोंगो डीबी था। अब आप मोंगो डीबी से, डेटाबेस से कुछ लेके आए, डेटाबेस से आप डेटा लेके आए, मान के चलो डेटाबेस से एक स्टूडेंट का डेटा लेके आए, स्टूडेंट का नाम, उसका रोल नंबर, उसकी एज, ठीक है, उसका पूरा डेटा लेके आ गए, आप सोच के चलना। ठीक है, और आपने किस में रख लिया, वहां से जो डेटा लेके आए थे इसमें, इसमें आ गया, इस डेटा के अंदर क्या आ रहा होगा, इसके अंदर मांगे चलो, इसके अंदर सब कुछ उठ के आ रहा होगा उस बंदे का। ठीक है, कुछ भी मांगे चलो, अब एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पे ये सब बंद करके आपने क्या किया, इसको एक इसके अंदर स्टोर कर लिया, डेटा को आपने किस में रख लिया, इस ए में रख लिया। ठीक है, डेटा में जो भी कुछ आ रहा है उसको आपने किस में रख लिया, इस ए में रख लिया। आप ये मान लो, मान के चलो इस डेटा के अंदर, इस डेटा के अंदर सिंपल 1 2 3 4 5 आ रहा था। ठीक है, और आपने किस में रख लिया इसको, ए में। क्लियर, बस समझ आ रही है, रख लिया 1 2 3 4 5, और आपने यही 1 2 3 4 5 क्लाइंट को ब्राउजर पे दिखा दिया कि लो भैया ये डेटाबेस से 1 2 3 4 5 उठ के आ रहा है। मैं बता देता हूँ, क्लाइंट से आपने कह दिया कि सर मैं डेटाबेस से डेटा उठा लाई हूँ, और उसमें से उठ के क्या आया, 1 2 3 4 उठ के आया है। क्लाइंट ने कहा चलो बढ़िया है, मतलब तुम्हें डेटाबेस से डेटा उठाना आ गया और आपने ब्राउजर पे शो करा दिया। सिंपल से ही समझो, जैसे आप लोग गूगल पे फोन पे चलाते हो, चलाते हो ना, तो गूगल पे फोन पे आपने अपना बैलेंस चेक किया, आपका बैलेंस यहाँ दिखा रहा था 20,000 रुपया। ठीक है, ये कुछ दिखा रहा होगा, ऐसा कुछ कर लेता हूँ, ठीक है, ये दिखा रहा था, क्लियर बैलेंस आपका। ठीक है, और ब्राउजर पे आपका 20,000 शो होने लगा। ठीक है, अब जो आपने, जो गूगल पे का बंदा था, जो गूगल पे पर कोडिंग करता था, तो उसने क्या किया था, डेवलपर ने ए के अंदर क्या स्टोर कराया, ए के अंदर क्या स्टोर करा दिया, डेटा, गूगल पे जो पे उसका क्या ना, कौन सा डेटा, कौन सा डेटा, जो पेमेंट आता है, जो पेमेंट नहीं होता तो सबके में चेक करते, बैलेंस जो शो करा दिया। तो मांगा चलो कोई बंदा आया, उसने अपना बैलेंस चेक किया, उसको बैलेंस दे गया 20,000। ठीक है, तो आप बैलेंस चेक करते हो, आपको बैलेंस 20,000 दिख रहा था। अब गूगल पे पे एक नया डेवलपर आया, आप सोचना, गूगल पे पे एक नया डेवलपर आया, कोई, अब उससे कहा गया कि आप एक काम करो कि मिनिमम बैलेंस भी दिखा दिया करो। क्या कहा गया गूगल गूगल भाई बंदे से, कि आप एक काम करो मिनिमम बैलेंस भी दिखा दिया करो कस्टमर को। तो उसने क्या किया, वो डेटाबेस से मिनिमम बैलेंस निकाल लाया, क्या निकाल लाया, मिनिमम बैलेंस, और उसने ए में ही रख दिया, ला के ए में रख दिया कि मिनिमम बैलेंस आपका कितना है, 200 रुपये। ठीक है, रख दिया उसने,
आप सोचो, ठीक है, ये किसने कर दिया? दूसरे डेवलपर ने। वो डेटाबेस से डेटा लाया, उसने भी एम ही रख दिया मिनिमम बैलेंस से, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मांगे चलो, फिर प्राची थी, प्राची ने अपना गूगल पे खोला, प्राची ने कहा चलो बैलेंस चेक कर लेते हैं कितना मेरा बैलेंस है। और जैसे ही प्राची ने बैलेंस चेक किया, पहले कितना दिखा रहा था प्राची का बैलेंस, 2,000 रुपये। और जैसे ही प्राची ने बैलेंस चेक किया तो कितना रह गया, 200 रुपये। प्राची शॉर्ट, प्राची की बैलेंस बैलेंस कहाँ से कम हो गया, 18,000 कहाँ चले, 1,000 रुपये कहाँ चले गए, मेरे बैलेंस कैसे कम हो गया। अब प्राची लगी गूगल पे वाले को मैसेज करने, मेरा बैलेंस कैसे कम हो गया, ये वो। फिर गूगल पे वालों ने डेवलपर से कहा भाई इसका बैलेंस कैसे कम हो गया। बात समझ आ रही है इतनी, इतना पॉइंट समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, आवाज आ रही मेरी। अब जो डेवलपर था, जो पुराना डेवलपर था, पुराना डेवलपर, उससे भी कहा गया कि यार ये बैलेंस क्यों गड़बड़ हो गया, क्योंकि बैलेंस वाला काम कौन कर रहा था, पुराना डेवलपर, और जो नया डेवलपर था वो मिनिमम बैलेंस पे काम कर रहा था। तो पुराना डेवलपर ने जब कोड चेक किया, उसने देखा, अरे मैंने यहाँ पे ए में स्टोर कर रखा था बैलेंस 20,000, ये नया बंदा कौन आया जिसने ए में 200 कर दिया। अब उसने नए डेवलपर से कहा कि भाई तुम्हें दिख नहीं रहा था यहाँ पे ए में मैं पहले से स्टोर करा चुका हूँ 2,000 20,000, अब तुमने इसी ए में 200 करा दिया। बोले अरे सर सॉरी मैं देख नहीं पाया। वो कह गया तुम देख नहीं पाए, तुम्हारे चक्कर में तो बैंड बज गई। बात समझ आ रही है, चलो है ना, बात समझाई, चलो यहाँ ठीक कर लिया मांगे, चलो चलो यहाँ उसने ठीक कर लिया और प्राची को बैलेंस सही देख दिया, प्राची खुश। अब एक थर्ड बंदा कोई आया नया, ठीक है, उससे बोला गया कि नाम शो करा देना जबकि ओपन करे वेबसाइट गूगल पे, तो उसने भी एम ही ले लिया नाम। अब प्राची ने फिर बैलेंस चेक किया, तो प्राची को यहाँ पे क्या दिख गया, बैलेंस क्या दिख गया, नाम दिख गया। प्राची बड़ी परेशान हो रही है, सोचो। अब तीनों डेवलपर बैठे, उनसे कहा गया भाई तुम लोग क्या करते हो, आप लोग दिखता नहीं कि मैं ए में कुछ और ले रखा हूं, तो आप ए में क्यों ले लेते हो। अब जो नया डेवलपर आया उसने कहा कि सर आप इसको वेरिएबल में ले क्यों रहे हो, इसको वेरिएबल में ले क्यों रहे हो। कहा उसने नया डेवलपर ने कि सर आप ये वेरिएबल में ले क्यों रहे हो, वेरिएबल में सर लेंगे तो सर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अब आपका इतना बड़ा कोड मैं कहाँ चेक करूंगा ये आपने लिया कि नहीं लिया, आप इसको वेर में लेते ही क्यों, इससे अच्छा है ना आप इसको लेट में लेके चलो, है ना, किसी में लेके चलो, देखो लेट में ए स्क्वल टू 10। अब देखो सब लोग लेट में लिया, यहाँ पे 1,000 आया, अब मैं फिर आता हूँ फिर लिखता हूँ लेट, लिखा ए स्क्वल टू 200। अब देखना ये एरर दे देगा तुरंत। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, तो उसका मतलब क्या हुआ, जब यहाँ पे कुछ नहीं आता है तो सबको पता है ना कंसोल में एरर देखते हैं जाके, या कुछ नहीं आएगा तो, है ना, तो कंसोल जाना पड़ता है। देखो क्या कह रहा, पढ़ो, है ना। अब कोई नया बंदा आया, उस कोई नया बंदा आया, अब वो ए में कुछ स्टोर करना चाह रहा था, उसने वाले ऊपर वाले का ए नहीं देखा, उसने ट्राई किया चलो मैं ए में रख देता हूँ, और जैसे उसने ए में रखा उसकी ऐप में कोई दिक्कत आ गई। अब उसने जाकर फिर देखा होगा, अरे यार अच्छा ये पहले से ऑलरेडी है, तो फिर वो वैल्यू चेंज कर देगा ना आप, फिर जाके समझ नहीं आ गया तो क्या करेगा, वैल्यू चेंज कर देगा, बी कर देगा, प्रिंट हो जाएगा। देखो मगर बैर में क्या हो रहा था, सब लोग बैर में क्या हो रहा था, है ना, तो सोचो पंगा नहीं होगा। अब तुम डेटाबेस से कोई डेटा लेके आ रहे हो और तुम उसको ए में स्टोर कर दो और कोई दूसरा बंदा है वो भी ए में स्टोर कर दे, तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए हम बैर का यूज़ नहीं करा करेंगे बिल्कुल भी। अब और देखो लेट की कहानी और सुनो, तुम ऐसे तो यूज़ नहीं कर पा रहे हो, मगर मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ वैल्यू, ऐसे सिंपल ए लिख के लिख दूँ राम, ऐसे देखो बंद कर देता हूँ। देखो अब ए में कितनी वैल्यू जाएगी देखना भी आप लोग, देखो क्या हो गई, वैल्यू चेंज हो गई, सबको दिख गई वैल्यू चेंज, राम हो गया, देखो तुरंत राम हो गई। अब कैसे हो गई, क्योंकि अब आपने ना पे यहाँ पे ना लेट लिया ना बैर लिया। अब मैं यहाँ पे कुछ और ये ले लेता हूँ, ले लिया 1 2 3 4 5, फिर चेंज हो गई। लो तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा पंगा देगा,
है ना, कोई ऐसे ऐसे भी कोई लिख दे तो दिक्कत हो जाएगी कहीं ना कहीं मुझे, मेरे लिए। वह ऐसे लिखते नहीं है अपन, फिर भी कोई लिख दे तो अब क्या करें, है ना। तो अब क्या करें, जब हम बैकएंड के साथ खेलेंगे, जब हम बैकएंड के साथ खेलेंगे तो हम रिस्क नहीं ले सकते ना बिल्कुल भी। तो क्या करें हम, समझो पॉइंट, समझो चीजें, क्योंकि अभी आगे चल के चीजें सब आएंगी, इसलिए समझा रहा हूं। बेस, जितना बेस अच्छा होगा ना उतना आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं, कॉन्स्टेंट। नाम सुना है कॉन्स्टेंट का सबने? जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, है ना। तो मैंने 200 दिए इसको, रिफ्रेश किया, देखो 200 आ गया। अब मैं यहां पे लिखता हूं कांस्टेंट, मैं एकदम कांस्टेंट यूज कर लूं। तो आप बोलोगे सर कांस्टेंट क्या कर रहा है ये, देखो एरर देगा, ए हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर, मना कर दी उसने। अब तुम कहोगे चलो ठीक है ऐसे मना कर रहा है ना, तो एक काम करता हूं ऐसे देखता हूँ यूज करके इसको, ए इज इक्वल टू राम, देखता हूँ ये चलता है कि चलता है। देखो ये चला तो गया, नहीं चला क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी। अब यहां वो कह रहा है कि अगर ए को आपने कोई वैल्यू डिफाइन कर दी और उसके आगे कांस्टेंट लगा है, तो फिर तुम चाहे ए कैसे भी लिख लो, ए में आप वैल्यू डाल ही नहीं पाओगे। तो इसलिए हम हमेशा क्या लेके चलेंगे, जब ब्रैकेट पे काम करेंगे तब कांस्टेंट लेके चलेंगे यहां से, ठीक है। समझ आ गया, वेयर लेट कांस्टेंट, वेयर में क्या पंगा होता है कि आप आराम से लिख सकते हो, दो दो बार चल जाएगा। इज इक्वल टू राम पूछ लेता है कि वेयर और कांस्टेंट में इनमें सब में क्या डिफरेंस होते हैं, तो आप ये सब नोट कर लो, कमेंट कर देता हूँ फिर भी आप नोट जरूर कर लेना इनको, तो नोट कर चलो। हो गया, नोट हो गया, बता देना है ना, नोट कर लो बता देना। नोट हो जाए बता देना। हो गया नोट, चलो हो गया। चलो तो आपने क्या देख लिया, वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर आपने देखा कि डेटा टाइप क्या होते हैं, अब देखो ऑपरेटर क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ऑपरेटर कौन सा होता है,
सबको पता होगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है सब लोग, होता है कि होता है अर्थ। तो चलो तो देखो आप लोग, यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर मैंने यहाँ पे लिखा, लेट ए इक्वल टू टेन और लेट ए इक्वल टू 20, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लेट सी इक्वल टू ए प्लस बी, फिर आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं लिख दूँ सी, ठीक है। तो आपके सामने सी प्रिंट हो जाएगा, ए बी सॉरी बी, हाँ पीस आ गया। तो देखो एडिशन सबट्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन करना तो आपको पता है, मैं ये देखो ये वाला क्या होता है, यहाँ पे ये बोटअप कर लेते हैं। देखो ये वाला सिंपल है, जानते क्या होता है, ये वाला पावर, यहाँ पे ए पे पावर कितनी होगी, ये सब लोग टू होगी ना, पावर टू, डबल स्टार लगाना, हो गया 100। अगर यहां मैं कर देता हूं 4, कितनी पावर होगी 10 पर 4 की, ठीक है। बाकी तो आप जानते हो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करना है ना, वो सब वही है सिंपल। तो नोट करो, एक बना लो फाइल अर्थमेटिक ऑपरेटर के नाम से, अर्थमेटिक के नाम से बना लो फाइल एक, हो जाए बता देना। नोट कर लो बता देना। हो गया, चलो अब देखो सबसे ज्यादा यूज होने वाले चीज है कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन कंपेयर करने वाला ऑपरेटर। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ स्टेटमेंट के साथ में, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं जो हमें अच्छे से आनी चाहिए। तो मैंने मांगे, चलो यहां मैं लिखा इफ, मैं समझाता हूं इसको इफ स्टेटमेंट के साथ में, कंपैरिजन ऑपरेटर को। इफ इफ का काम क्या होता है, इफ स्टेटमेंट का काम, या तो कंडीशन आपकी ट्रू होगी या तो कंडीशन आपकी क्या होगी, दो ही काम होते हैं, कंडीशन ट्रू या कंडीशन फॉल्स, दो काम होते हैं। तो मैं लिखा इफ और लिखा ए इक्वल इक्वल बी और कर्ली ब्रैकेट्स लगाया, ठीक है। और फिर यहां पे लगाया एल्स, कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिया। अब यहां मैं क्या कह रहा हूं, क्या ए और बी इक्वल इक्वल हैं, अगर हैं तो कर दो भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यस कर दो, चलो ठीक है। और अगर नहीं है तो नो कर दो, यहां पर नो,
ठीक है, तो बताओ आउटपुट क्या आएगा इसका। नो लिखा है ना, नो लिखा है ना सर, नो। अगर मैं ब्राउज़र पर जाऊं, नो लिखा है तो नो आया ना। तो अब आपने क्या देखा, सबसे पहले इफ का काम क्या होता है, इफ का काम होता है ट्रू या फॉल्स, दो ही काम होते हैं, या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो कंडीशन फॉल्स होगी। और जब कंडीशन फॉल्स होती है तो कहां पहुंच जाता है ये अपने आप, एल्स वाले पार्ट पर, सबको पता होगा अच्छे से ना, एल्स पहुंच जाता है। तो हमने लिखा इफ ए इक्वल इक्वल बी, क्या ए और बी इक्वल इक्वल हैं, नहीं है, देखो साफ साफ दिख रहा है, तो नो प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर टेन कर देता हूं, तो ए और बी इक्वल इक्वल है, यस है, देखो तो यस आ गया, दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इसी को और समझाता हूं अच्छे से, सिंपल था लोग, सिंपल था ना, समझ लिया होगा। अब मैं नहीं, और नहीं, अब दूसरा देखो, बेसिक चीजें, अब दूसरा देखो यहां पर, अब यहां पे क्या लिखा है, अब मैंने यहां पे कर दिया ये वाला काम, ये अब क्या आउटपुट आएगा बताओ। बाकी बाकी कुछ नहीं आएगा, क्यों कुछ क्यों नहीं आएगा भाई, चलो यहाँ जी क्या कह रहा है सुनो, यहाँ पे मैंने क्या, यहाँ देखो देखो ये पूछ रहा है कि ए और बी इक्वल इक्वल है कि नहीं, ये पूछ रहा ना ये, हाँ या ना, ये से ये इक्वल इक्वल में क्या चेक होता है, ओनली वैल्यू, याद रखना क्या चेक होता है, सिर्फ ओनली वैल्यू, डेटा टाइप चेक नहीं होता। ठीक है, जो आप सोच रहे हो ना डेटा टाइप, वो चेक नहीं होता। ठीक है ना, समझा नहीं आया, नहीं अरे क्वेश्चन इक्वल इक्वल में सिर्फ क्या चेक होता है, क्या लिखा है ये वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या है, ये ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है 10। मैंने ये तो नहीं कहा, मैं ये तो नहीं कहा ना इसने कि भाई इनका डेटा टाइप भी चेक करो, इकाज क्या नहीं कहा ना। देखो अभी क्या आउटपुट आएगा, दो ये सी तो आ रहा, सिंगल कॉस्ट मतलब सिंगल कैसे लग जाएगा, सिंगल तो लगे, एक कॉस्ट भी तो चलेगा जब कोड होता है तो, सिंपल ये चलेगा। तो देखो सिंपल समझो, अभी वो तो वैल्यू चेक कर रहा, देखो यहाँ पे ए जी इक्वल इक्वल से क्या चेक करता है, पहले सुन लो, वैल्यू क्या चेक कर रहा है वो, ओनली वैल्यू, चाहे मैं यहाँ पे 1000, चाहे मैं यहाँ पे 1000 लिख दूँ, यहाँ पे 1000 लिख दूँ, ठीक है, वो सिर्फ वैल्यू चेक हो रही है कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, समझ आ रहा, ए की वैल्यू बी की वैल्यू है तो 1000 जा रही, तो ये सारा है। अगर यही मैं एक इक्वल और लगा दूँ, अब ये क्या चेक कर रहा है साथ में, डेटा टाइप, ठीक है, ट्रिपल इक्वल, ट्रिपल इक्वल में क्या चेक करता है साथ में, डेटा टाइप। देखो अब क्या आएगा आउटपुट, नो आगे देखो, तो अब कौन सा समझ आया, डबल इक्वल में सब क्या चेक होती है, वैल्यू, और ट्रिपल में क्या चेक होती है, वैल्यू प्लस डेटा टाइप, वैल्यू भी चेक होगा और प्लस डेट टाइप दोनों चेक होंगे, याद रखना। ठीक है, ट्रिपल इक्वल में क्या चेक होंगे, इतनी दोनों चीजें, वैल्यू प्लस डेटा टाइप, हवा वैल्यू तुम्हें अलग कर दोगे, अलग होंगे लो, फिर तो नो ही रहेगा ना वो, ठीक है ना, वैल्यू प्लस डेट टाइप चेक होता है, याद रखना, समझ आ गई बात, तो नहीं फ्रेंड्स क्लियर हो गया भाई, बोलो तो आगे बढ़ू मैं, चलो अब देखो, अब देखो हुआ बताना, सोच समझ बताना, बाद में नोट करना, आराम से नोट करने टाइम दूंगा, समझ लो चीजों को।
नॉट इक्वल, नॉट इक्वल क्या करता है जानते हो, क्या करता नॉट इक्वल, हाँ ट्रू को फॉल्स करेगा और फॉल्स का ट्रू करेगा। नॉट का क्या काम होता है, ट्रू को फॉल्स करना और फॉल्स का ट्रू करना, ठीक है। तो अभी आपके हिसाब से अगर मैं अभी इक्वल करूं तो अभी आपके हिसाब से आउटपुट क्या आएगा, सब लोग यस आएगा ना, ठीक है। अब मैं यहां पे नॉट लगा देता हूं, अब क्या आएगा, समझ आ गई बात, बात समझ आई कि नहीं आई। तो नॉट क्या करता है, नॉट क्या करता है, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू, देखो नो आ रहा है। और अगर मैं यहां पे इक्वल लगा देता हूं तो यस ही आएगा, और जैसे ही आपने नॉट लगा दिया नॉट इक्वल हो गया, मतलब कंडीशन तो ट्रू थी मगर फॉल्स हो गई नॉट के चक्कर में, ठीक है। देखो अब अगर मैं इसी को कॉपी करके कमेंट कर देता हूं, अब तीसरा पॉइंट देखो, पता बेसिक बेसिक चीजें नहीं क्लियर होती ना तो सबसे लॉजिक नहीं बन पाते अच्छे से। अब यहां पे मैं ये कर देता हूं, अभी भी आउटपुट क्या आएगा, आप सोच समझ के आंसर देना, कंफ्यूज होने चाहिए आप लोग, बाकी लोग नो ही तो आएगा ना, नो आएगा ना, हाँ देखो नो आ रहा। चलो अब बताओ, अब अगर मैं यहां पे एक इक्वल बढ़ा देता हूं, अब यस आ जाएगा ना। अगर मैं ये नॉट, अगर मैं ये नॉट हटा दूं, ये भी लगा दूं, तो वही कहानी होगी ट्रिपल वाली, ट्रिपल वाली कहानी होगी। तो अभी नो देगा देखो ट्रिपल में ये, और जैसे आप यहाँ पे नॉट लगा दोगे, नॉट इक्वल इक्वल है ना, मगर पहले तो वो चेक कर रहा है ना ये भी इक्वल है कि नहीं है, और डेटा टाइप उनके है ना वो ट्रू थे, ट्रू को फॉल्स कर दिए, फॉल्स ट्रू कर दिया, ठीक है। अब नोट कर लो आप लोग, अब समझ आ गया कि नहीं आया अच्छे से, तो फिर और समझाता हूँ, ट्रिपल इक्वल ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, ये लॉजिक सारे इन्हीं से बनते हैं, हमें लगता है ये बेसिक चीजें हैं, इसमें क्या है, और जब यही नहीं बनते हम पे, तो नोट करो, कंपैरिजन ऑपरेटर, फाइल का नाम रखना कंपैरिजन ऑपरेटर, नोट कर लो सो लोग। कंपैरिजन ऑपरेटर है ना, अब इसमें तुम्हारा स्टेटमेंट भी हो गया और कंपैरिजन चलता जा रहा है।
चलो अब देखो लॉजिक ऑपरेटर। लॉजिक में क्या रहता है जानते हो? लॉजिक में तीन चीजें रहती हैं, एक होता है एंड, एक होता है और, एक होता है नॉट। ठीक है, नॉट तो आपने देख लिया अभी, नॉट देख के आए अभी, है ना। जो एंड का क्या रोल है, एंड में क्या होना चाहिए? एंड में कहते हैं कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, है ना। तो कंडीशन ट्रू होती है, जैसे लॉग इन, लॉग इन, लॉग इन में क्या होता है, आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड, या आपका ईमेल या आपका पासवर्ड, अगर दोनों सही होंगे तभी आपका लॉगिन होगा, है ना। जहां पे दोनों एक भी गलत हो गया तो आपका लॉगिन नहीं होगा। मतलब क्या यूज कर लेते हैं, एंड ऑपरेटर। और में क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए। नॉट में क्या होता है, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू होता है। तो अब देखो इसमें आप लोग मुझे बताओ क्या आउटपुट आएगा आपके हिसाब से। हमने यहां पे लिया है, ये सब चेंज कर देता हूं, लेट। तो यहां पे लिया है मैंने यूजर नेम रोहित, पासवर्ड लिया है 123456 7, ये लगी इफ कंडीशन। तो चलो बताओ आउटपुट क्या आएगा आपके हिसाब से। बाकी लोग है ना, पहले क्या देखा उसने, यूजर नेम इक्वल इक्वल रोहित है, फिर एंड लग गया। तो ये एंड का साइन होता है, डबल लगाने पड़ते हैं। तो अब जब एंड लग गया तो अब यहां पे क्या होगा कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो पासवर्ड इक्वल इक्वल 123456 और यहाँ 7 है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। हो गई, प्लीज चेक यूजर नेम और पासवर्ड। और यहाँ पे अगर 7 कर देंगे तो ठीक है, लॉगिन हो गया। अब एक चीज आपने कभी गौर करी है, जब कभी आप लॉगिन करते हो है ना, आप लॉगिन करते हो तो हमेशा एक ही मैसेज आता है, प्लीज चेक यूजर नेम और पासवर्ड, है ना। कभी ये मैसेज आता है कि आपका ईमेल सही है पासवर्ड गलत है, या आपका पासवर्ड सही है ईमेल गलत है? क्यों क्यों नहीं आता मैसेज, ये बताया किसी को? ऐसे हाँ, समझ आया। अगर मैं यहाँ मैसेज डाल दूँ कि भाई तुम्हारा यूजर नेम सही है, तो वो अब क्या सोचेगा, यार यूजर, चलो इसका यूजर नेम तो मालूम पड़ गया, अब पासवर्ड पर ट्राई करते हैं अपन कि इसका पासवर्ड शायद चेक हो जाए, या कहीं पासवर्ड चेक मिल सही मिल गया, यूजर नेम गलत हो गया, तो हैक होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब यहाँ पे मैसेज सिंपल क्या आ रहा है, प्लीज चेक यूजर नेम और पासवर्ड। अब जिसने बनाया होगा अपना लॉगिन सिस्टम रजिस्ट्रेशन, तो उसको पता होगा कि भाई हमारा ईमेल और पासवर्ड क्या है ना। और जिसको नहीं पता होगा वो तो ट्राई करेगा कि भाई कौन सा गलत है कौन सा गलत नहीं है, इसलिए हमेशा ये वाला मैसेज शो कराए जाते हैं। ठीक है, नोट करो, एक बनाओ फाइल लॉजिक ऑपरेटर। और में क्या होता है, अगर मैं यहां पे और लगा देता हूं, मैं पे और का साइन क्या होता है, ये वाला डंडे वाला, और यहां पे कर दूं 8 9 कर दूं, तब भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, है ना, क्योंकि और लगा हुआ है, देखो तब भी लॉगिन हो रहा है ना। और में क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, लॉगिन हो जाता है। ठीक है, नोट कर लो। हाँ, और लगा होता तो, हाँ, और में क्या आता है, कोई भी एक कंडीशन चेक हो जाएगी। एंड में क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन चेक हो रही हैं। तुम किसी को पेमेंट करते हो तो वहां पे और कंडीशन चल रही होगी कि पेमेंट किस किस से कर सकते हो, पेटीएम से कर दो, गूगल पे से कर दो, फोन पे से कर दो, भीम ऐप से कर दो, कॉकिंग आते हैं, ऑप्शन रहते हैं। और अगर ये कंडीशन लगी होती कि नहीं भाई पेमेंट है गूगल पे से ही होगा, तो दिक्कत होती। हम बोलो बोलो, हाँ होते हैं, उनके यूज नहीं होते। आप तो जी मानो सी पढ़ रहे हो, ये सब कुछ सी में है कि नहीं है, सी सारी चीजें। हाँ,
सब सी पढ़ रहा है अब, जो मान लो चलो सब लोग एक तरीके का। सब नोट कर लें। हाँ नोट हो गया। बाकी लोगों का चलो अब देखो, एक ऑपरेटर का बड़ा यूज होता है, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, टर्नरी ऑपरेटर है ना, टर्नरी कंडीशन भी बोल देते हैं उसको, सुना है ना, उसका हम बड़ा यूज करेंगे आगे चल के। टर्नरी ऑपरेटर उसका यूज बड़ा करेंगे हम लोग अभी, टर्नरी बोल लो, कंडीशन ऑपरेटर बोल लो, इसका यूज हम बड़ा करेंगे अभी आगे चल के, रिएक्ट में भी करेंगे, इसमें भी कर लिया करेंगे। सॉर्ट ऑपरेटर होता है एक तरह का, सॉर्ट एक लाइन में लिख सकते हैं उसको। देखो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब देखो, टर्नरी ऑपरेटर लिखने के तरीके। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लिख दिया लेट ए इक्वल टू 500, एक लेट ले लिया बी। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा, क्या ए इक्वल इक्वल 100, ए इक्वल इक्वल 100 के है क्या? नहीं है। क्वेश्चन में क्या लगा, पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पूछ रहा है क्या ए इक्वल का 100 है, अगर होगा तो बी में क्या पहुंच जाएगा, ट्रू, तो कंडीशन ये क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, और अगर नहीं होगा तो कोलन के बाद क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगी। समझ आ रहा, नहीं आ रहा सबको? इसका हम यूज अभी बहुत करेंगे, रिएक्ट पढ़ोगे तब। मम ऐसे लगाते हैं, इस तरीके से यूज करते हैं, यही वहां पर सिंटेक्स लगा होता है, और फिर ऐसे यूज करते हैं अंदर, लिखते हैं यहाँ पे, फिर डेटाबेस से उठा के लेके आते हैं, फिर चेक कराते हैं चीजें, है ना। टर्नरी ऑपरेटर का बहुत यूज होता है ऐसे। इसमें क्या होता है, पर क्या फायदा मिलता है, देखो एक लाइन में आ गया। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ एसटीएमएल में, जैसे मांगे चलो, जब आप बैकएंड पे काम करोगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा हम जेंडर, जी एन डी है जेंडर, कूलर टाइप में, रेडियो, और आपने लिखा यहाँ पे मेल। अब मांगे चलो, जब आप फॉर्म को एडिट करोगे, जब आप बैकएंड में फॉर्म एडिट करते हैं, नहीं एडिट, कोई फॉर्म एडिट किया है, जब हम फॉर्म एडिट करेंगे तो क्या होना चाहिए, जब मांगे चलो किसी बंदे का हमने फॉर्म एडिट किया, अपडेट करना चाहते हैं, तो उसमें पहले से क्या होगा, भरा हुआ आना चाहिए ना, जेंडर मेल या फीमेल, समझा। आपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा और सबमिट किया, अब तुम उसमें कुछ एडिट करना चाहते हो अपना ईमेल, तो जब एडिट बटन पर क्लिक करते हो अपडेट करने के लिए, तो उसमें बाकी फील्ड कैसी आती हैं, भरी हुई आती है ना, तो उसमें जेंडर भी भरा हुआ आना चाहिए, जो मेल और फीमेल है ना। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, इसके अंदर एक टर्नरी ऑपरेटर लगाना पड़ता है, कंडीशन लगानी पड़ती है। अभी सीखोगे धीमे धीमे करके चीजें, तो आपको समझ में आता रहेगा टर्नरी ऑपरेटर क्या काम करता है, ठीक है। स्टेटमेंट का तरीका काम कर रहा है, एक तरीका ये लिखने का, एक तरीका ये लिखने का, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर यहाँ मैंने क्या कर लिया, साथ में स्ट्रिंग दे दिया, देखो लिखा ना स्ट्रिंग दे रखा है साथ, ठीक है। यूज बहुत होता है, याद रखना चीजें, बेस क्लियर नहीं होगा तो आगे आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। नोट करो उसको, टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशन ऑपरेटर बोल लो। टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशन ऑपरेटर, हाँ जी,